अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो बेटा, बैठो। खुश हो? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बासिल का घर बस गया। भाई मेरे कंधों पे तो बहुत जिम्मेदारी थी, अब मैं आराम से अपने घर जा सकूंगी। इतनी जल्दी? अरे इतनी जल्दी कहाँ बेटा, कब से तो यहाँ रह रही हूँ। अब तुम खैर से आ गई हो, अपना घर संभालो। लेकिन आंटी, मैं तो अभी ना बासिल को जानती हूँ सही तरह से और ना ही इस घर को। तो बेटा इसमें कौन सा मसला है, जब यहाँ रहोगी तो सब कुछ जान जाओगी। मुझे पता है तुम दोनों में बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें बाँ बन के समझा रही हूँ। शौहर के नज़दीक आने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए औरत को ही कोशिश करना पड़ती है, उससे ताऊन करना पड़ता है, शौहर का मिजाज समझने के लिए समझौता करना पड़ता है, तभी औरत अपने घर पे राज करती है। मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? अरे जी बासिल थोड़ा सा संजीदा तबीयत का भी है, अगर तुम्हें कभी लगे कि वो तुम्हें अहमियत नहीं दे रहा तो तुम परेशान मत होना, बस उसका मिजाज ही कुछ ऐसा है। बासिल बहुत सख्त मिजाज के हैं। नहीं, बहुत अच्छे मिजाज का है वो। क्या है ना कि हमेशा घर में अकेला रहा है, बस थोड़ा अपने आप में रहता है। कुछ कुछ अंदाजा हुआ मुझे। क्यों, तुम्हारे साथ ठीक नहीं रहा क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक थे। शुरू शुरू में थोड़ा वक्त लगता है, फिर मुझे यकीन है कि तुम दोनों में जरूर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जी बासिल अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? तुम्हारे घर वाले आने वाले होंगे नाश्ता लेकर। देखो जी वॉशरूम में है वो। जाओ, जाके उससे कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। जी